साथियों, भाजपा का एक और संकल्प है जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है। साल 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए देश जुट चुका है। जल जीवन मिशन पर पूरा देश जुट चुका है। हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये तय किया गया है कि पानी को बचाने और पानी घर घर जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हरियाणा को भी मिलने वाला है। आज दुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण इस दिशा में बड़ा कदम है। इसके पूरा होने से अब दर्जनों गांव के किसानों को जहां सिंचाई का पानी मिलेगा, वहीं लाखों गैलन पानी जो बर्बाद होता था, अब वो लोगों को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथियों, रोहतक की धरती से मैं पूरे हरियाणा से ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्तर पर हम छोटे बड़े जो भी प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से ले जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है।